ठीक है वीडियो इज क्लियर clear. Everyone, वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग तो अभी आपने एक प्री रोल देखा होगा तो उससे मैं आपको याद दिला दूँ कि बेसिकली हमने 12 बजे का जो सेशन चल रहा था है ना इंजीनियर अड्डा पे है ना रनिंग के बाद टाइम मिला है सुबह हर रोज रिकॉर्डिंग देखते हैं ओके कृति जी भी आ चुकी हैं इनका अच्छा इनका नाम है कृति मैम अच्छे हो बच्चे मेरा नाम कीर्ति है ओके चले तो आपने एक रोल देखा होगा तो बेसिकली एक आ, सीरीज हम चला रहे थे बारह बजे है ना तो ये चला रहे थे हम लोग इंजीनियर सब पे देखो सब चैनल अपना ही है नॉलेज हर जगह से मिल रहा है कहीं से भी ले लो कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है तो डिफेंस अड्डा है इंजीनियर्स अड्डा है तो हमने जो प्रोमो अभी चलाया है तो वो बारह बजे क्लास होती है जहाँ पे हमने पॉलिटी पढ़ा था पहले इंजीनियरिंग पढ़ा था और उसके बाद हमने हिस्ट्री भी पढ़ा था है ना अच्छा ओके ठीक है कंप्यूटर जी भी हमारे समक्ष है कंप्यूटर जी रोज़ नई नई चीज़ें हमें सिखा देते हैं टेक्निकल से रिलेटेड एक दिन हमारा कंप्यूटर भी अच्छा हो जाएगा ठीक है तो 12 बजे हमने पहले बहुत चीज़ें पढ़ी थी हिस्ट्री पढ़ी थी ज्योग्राफी पढ़ी थी पॉलिटी पढ़ी थी और इसी सेशन में हमने बहुत सारे एमसीक्यू भी बनाए थे उस समय एस एस का एग्ज़ाम था लेकिन देखिए नॉलेज किसी एग्जाम से रिलेटेड नहीं होता है कि ये इसी एग्जाम में आएगा है ना क्योंकि हम हम क्या पढ़ रहे हैं हम जी पढ़ रहे हैं जी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आती हैं चाहे आप सी दे रहे हो चाहे आप डिफेंस कोई एग्जाम दे रहे हो चाहे इंजीनियरिंग के कोई एग्जाम दे रहे हो तो अब इस जीके सीरीज को ना कुछ इस तरह से कर रहे हैं और ये सारे बच्चों के लिए ठीक है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है या एस एस सी जेई के लिए है तैस के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं कोई भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो वन डे एग्जाम दे रहे हो टू डे एग्जाम दे रहे हो ये नॉलेज जो यहाँ मिलेगा आपको ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हाँ ठीक है तो अब आप देखें यहाँ पे ये 12 बजे के सेशन में हम क्या कर रहे हैं जैसे फर्स्ट डे हमने किया था सेंसस तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है सेंसस वाला वीडियो उसको देख लेना फिर हमने किया इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर ली अब आज से हम लोग कुछ दिन गवर्नमेंट के स्कीम्स करेंगे तो बहुत सारे स्कीम्स है गवर्नमेंट के चाहे वो एजुकेशन के लिए हो चाहे वो हेल्थ के लिए हो चाहे वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हो ये सारे स्कीम्स को हम करेंगे देखो हम पहले ही बता दे रहे हैं ये जो 12 बजे का सेशन है अभी तक आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा कि पॉलिटी समझ लेते थे क्वेश्चन बना लेते थे हिस्ट्री समझ लेते थे क्वेश्चन बना लेते थे अब पहले से बता रहे हैं ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि इसमें जो चीज़ें बताई जाएंगी वो आउट ऑफ द बॉक्स रहेंगी अभी कौन सा परंपरागत स्कीम आ गया या कृषि सम्मान निधि आ गया तो बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कीम्स बताए जाएंगे लेकिन एक बार अगर आपको क्रक्स समझ में आ गया ना कुछ दिन देखने के बाद तो आपको अच्छा लगने लगेगा हाँ पी सारे मिल जाएंगे हिमांशु यादव जी हम बिल्कुल डाल देंगे लेटेस्ट पास में पेपर देख हाँ तो वही बात है वही बात है इन्फिनी हमने देखा आपका मैसेजेस हर जगह जो आप मैसेज कर रहे हैं हमने देखा है मैसेज तो ये जो चीज़ है ना आप अपने अंदर का थोड़ा सा नेगेटिविटी ज़रूर निकालेंगे तो हर जगह आप इधर इधर जो मैसेज कर रहे हैं तो क्या आप पढ़ा हुआ से नहीं आया ये हर बार बोलते हैं पढ़ा हुआ से नहीं आया या आपने जो पढ़ा उसमें से नहीं आया क्योंकि मैंने तो जितने बच्चों से बात किया है रिपोर्ट तो अच्छी ही मिली है जी के स्टार्टिंग को लेकर खासकर हाँ ठीक है करंट अफेयर्स दो साल के आए हैं वो तो मैं भी एक्सपेक्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ ठीक है तो ये 12 बजे का सेशन आप ज़रूर देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में भी यानी कि थोड़ा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में भी ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए और एम फॉर्मेट के लिए भी ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा अब इंटरेस्टिंग है कि नहीं वो तो आप डिसाइड कीजिएगा इम्पॉर्टेंट है ये मैं बता रही हूँ फाइन तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक सोच के साथ एजुकेशन एजुकेशन क्या है व्हाट इज़ एजुकेशन क्यों क्यों लगता है आपको और uh, इतना जो पढ़ते हैं हम लोग और रोज पढ़ने के पहले हम कुछ बात करते हैं है ना जैसे अभी अब बात कर रहे हैं तो ये क्यों करते हैं वाई आई ऑलवेज या कोई भी फैकल्टी या कोई भी आपके मम्मी पापा कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश करते हैं ये वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट तुम बोलोगे मैम ये जब भाषण देने का कोई मतलब नहीं है, है ना जो पढ़ना है क्वेश्चन आंसर वो पढ़ाइए जो जो चीज़ें हैं वो बताइए जो एक्सप्लेन करना है वो बताइए और फिर ख़त्म ठीक है वाई आप एक बार हमेशा क्यों करती हैं कि कुछ ना कुछ समझाने का कोशिश करती हैं अब जैसे एक बच्चा बोल रहा है एजुकेशन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एजुकेशन इज इक्वल टू जॉब इज इक्वल टू शादी मैम मेरा लास्ट ईयर बीकॉम का क्या मैं सी भर सकता हूँ बिल्कुल मोहित जी भर सकते हैं आप आई uh, और ओ के लिए भर सकते हैं इम्प्रूव योर सेल्फ एंड सोसाइटी अच्छा थे हम बस दो मिनट आपका समय लेना चाहेंगे ये पूछने के लिए कि एजुकेशन क्या है अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए अपनी एबिलिटी बढ़ाने के लिए एजुकेशन चाहिए।, चाहिए अच्छा एजुकेशन का मतलब क्या होता है जो रोज़ हम लोग आके क्वेश्चन आंसर करते हैं जो फैक्ट्स जमा करते हैं जो ज्ञान जमा करते हैं वो एजुकेशन है या ये जो बात करते हैं और जो पढ़ाई करते हैं वो एजुकेशन है अगर जो सोच जो एक सोच हम आपसे पूछते हैं कि आपकी सोच क्या है मेरी सोच क्या है क्या वो एजुकेशन का पार्ट है इज इट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन हाँ बताइए देवशीष आपका क्या क्वेश्चन है मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर चलिए ये अच्छा था बिल्ड योर सेल्फ एजुकेशन इज अ की इन विच अ मैन कैन क्रिएट अ गुड एनवायरमेंट एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन ठीक है ब्रॉडन आर माइंड एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ हाउ डेवलप योर सेल्फ <laughs> बच्चे एनडीए का एज क्राइटेरिया जो है वो <clears throat> बस आपको ट्वेल्थ में या ट्वेल्थ पास होना जरूरी है ठीक है सोसाइटी कंट्री को डेवलप करने के लिए एजुकेशन मतलब परेशानी चलिए ठीक है अच्छा एक बात समझो अभी तुम लोग का जो भी एज है जिस भी एज के चाहे आप ग्रेजुएशन के हैं चाहे आप ट्वेल्थ के हैं अभी तक आपने अपने लाइफ में ये चीज़ ये साइकिल तो देख लिया होगा कि कुछ चीज़ों में आप बहुत नीचे गए लाइफ में और कुछ चीज़ों में आप लाइफ में ऊपर गए मतलब आप अच्छे अच्छा हुआ आपके साथ या तो आपने पढ़ाई में अच्छा कर लिया या तो आपने स्पोर्ट्स में अच्छा कर लिया या किसी दूसरे एक्टिविटी में आप अच्छा कर चुके हैं और हाँ आज वर्ल्ड सेड्स डे है बिल्कुल सही बात है और कुछ चीज़ों में आपका डाउनफॉल भी हुआ ये चीज़ देखा है आपने अपने लाइफ में है ना तो लाइफ जो है वो क्या है वो एक साइकिल है लाइफ इज़ अ साइकिल कि जो भी आज नीचे है जो भी अपने लाइफ में आज नीचे वाले फेज में है वो कभी ना कभी अपने लाइफ में ऊपर फेज में जाएगा और जो भी लाइफ में ऊपर है यानी कि कोई बहुत प्रॉस्पैरिटी में है कुछ अच्छा हो रहा है तो वो किसी ना किसी सिचुएशन में वो डाउनफॉल आएगा ही तो लाइफ इज अ साइकिल पहले ये बात सब समझें है ना और मैं ये नहीं कह रही कि आई एम सेइंग तो आप ये बात समझें आपके साथ हुआ होगा बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आप बहुत अच्छा कर चुके होंगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आपने नहीं अच्छा किया होगा अगर एग्ज़ाम्स में अच्छा नहीं कर रहे आप स्पोर्ट्स में अच्छा करें कहीं ना कहीं तो आप लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे तो लाइफ इज़ अ साइकिल राइट अब एजुकेशन का रोल क्या है कि ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है ना जो ज्ञान आपको मिल रहा है जो फैक्ट्स आप पढ़ रहे हैं जो कॉन्टेंट आप पढ़ रहे हैं वो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा यानी कि लाइफ में ऊपर जाने में हेल्प करेगा लेकिन जो सोच वाला एजुकेशन है जो मॉरल एजुकेशन है जो एथिकल एजुकेशन है वो तब आपका साथ देगा जब आप सीढ़ी से नीचे उतर रहे होंगे यानी कि जब आपके लाइफ में डाउनफॉल आएगा और आएगा ये एक्सेप्ट कर लीजिए ठीक है ये डाउनफॉल आएगा और तब आपके दिमाग में आएंगी नेगेटिव विचार है ना सोच जो कि अगर वो सोच एजुकेशन से कवर नहीं किया जाए तो आदमी को बर्बाद कर सकता है राइट right? कि कुछ भी चोरी कर लेते हैं क्राइम कर लेते हैं सुसाइड कर लेते हैं ये सब ये सब नेगेटिव आस्पेक्ट्स आएंगे और उस समय ये जो मोरल और जो एथिकल एजुकेशन है वो आपके काम आएगा और वो आपके कंटिन्यूटी जो कि आप नीचे आ रहे हैं वो आपको फिर वहाँ से हेल्प करेगा फिर से ऊपर जाने में सो एजुकेशन इज दैट की विच हेल्प्स यू नॉट टू गो डाउन इन लाइफ साइकिल में तो आप नीचे आएंगे ठीक है आप कभी डेवलप किए हैं तो अब आपका डाउनफॉल आएगा लेकिन उस डाउनफॉल में आप कैसे बिहेव करेंगे है ना उस डाउनफॉल में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करेंगे और कैसे वापस से आप ऊपर आने की कोशिश करेंगे दैट इज एजुकेशन राइट मेरा डाउनफॉल चल रहा है जैसे नितिन कह रहे हैं तो क्या आपके पास ये वाली एजुकेशन आ गई है जिसके बाद अब आप श्योर हो चुके हैं कि अब मेरा डाउनफॉल नहीं होगा आई वॉज प्रेटी गुड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स बट नाउ आई एम जस्ट अ फेलियर हु ट्राई टू स्टार्ट स्टडिंग टू बिकम ठीक है ठीक है तो अब दैट मीन्स कि आप अपने एजुकेशन को किस तरह मॉनिटर कर रहे हैं है ना हर कोई आई एम कि फेलियर एक इवेंट है फेलियर कोई पर्सन नहीं है अगर आप लाइफ में फेल किए हैं तो वो दैट इज अवेंट इट इज पर्सन। आप फेल नहीं किए हैं उस सिचुएशन में आप फेल किए है ना? तो अब क्या करना है अब अपने आप को उस सिचुएशन से निकालना है और वो निकालना नॉलेज से तो होगा ही जो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे जो पढ़ेंगे लेकिन किस तरह से आप उस जर्नी को कैरी कर रहे हैं उससे भी होगा ठीक है चले बढ़िया तो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ एक सोच की एजुकेशन क्या है इसके साथ अब हम नॉलेज को गेन करते हैं तो इसी तरह से बैचेस भी आ गए हैं सी डी एस है एफ कैट है और इनके बैचेस आ चुके हैं आप इसमें आ सकते हैं चलें बढ़िया तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट जियो फाइव जी जियो फाइव जी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट तो जियो का फाइव जी लग चुका है है ना जियो का फाइव जी लग चुका है हाँ तो ये कहाँ है कहाँ है जल्दी से बताइएगा बहुत सारे बच्चे गुजरात कह रहे हैं बिल्कुल जहाँ चाह है वहाँ रहा है सही बात तो गुजरात कह रहे हैं गुजरात कह रहे हैं आंसर भी गुजरात है गुजरात में तैंतीस डिस्ट्रिक्ट है जियो ने अनाउंस किया है 25 नवंबर 2022 को दैट इट हैज रोल्ड आउट इट्स ट्रू फाइव जी नेटवर्क इन एवरी हेड क्वार्टर ऑफ तैंतीस जिला है गुजरात में और वहाँ पे पूरी तरह से हंड्रेड परसेंट कवरेज लग चुका है ठीक है और फोर्टी सिक्स सिटीज़ एंड टाउन इन इंडिया अभी तक ट्रू फाइव जी आ चुका है फाइव जी का बैंडविथ अगर आप समझना चाहते हैं तो सेवन थाउजेंड एम हट्स है मेगा हट्स है पैंतीस सौ सात सौ पैंतीस सौ और छब्बीस गीगा हट्स है ठीक है तो ये बैंडविथ है चले अगला सवाल है इंडिया रिटेन द लीड एज अ टॉप टूरिज्म मार्केट ऑफ विच कंट्री तो इंडिया टॉप टूरिज्म मार्केट ऑफ विच कंट्री बना है ठीक है यानी सबसे ज्यादा इस कंट्री में टूरिस्ट भारत से आते हैं आ, अरे गाइज पढ़ लो यार देखो अभी तुम लोग अपने एजुकेशन का प्रदर्शन कुछ कुछ बच्चे कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं कि दूसरे बच्चे बोल रहे हैं कि इनको ब्लॉक कर दिया जाए हम पर्सन तो हो सकता है ऐसा ही हो सकता हो क्या हो गया हो चलिए ठीक है तो मालदीव इंडिया ने रिटेन किया अपना टॉप पोजिशन मालदीव में आप लोग भी सुने होंगे जितना हीरोइन और जिसको मन जिसको मन मेरे भी दोस्त लोग में बहुत लोग का पटपट शादी हो रहा है तो पता नहीं क्या हो गया तो सब कोई सोच रहे हैं कि दो हज़ार बीस इक्कीस में जो जो शादी नहीं कर पाए बाईस में शादी कर ही ले तो यहाँ पे जो जो मॉलीवस है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मॉलदीव्स के टूरिज्म को मिला है भारत से दो हज़ार बीस में मिला दो हज़ार इक्कीस में नहीं जा पाए तो अब दो हज़ार बाईस में फिर से जाना शुरू कर दिए हैं इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है चलो अगला सवाल है डेविज कप टाइटल तो डेविस कप टाइटल किस कंट्री ने जीता है मालदीव्स में शादी है अच्छा मैम आप शादी मत करना इस बार पक्का निकालेंगे ठीक जी जरूर ओके इंफिनिटी <coughs> क्या हो गया तुमको ठीक है ठीक है ठीक है कनाडा आंसर आ रहा है फ्रांस भी आंसर आ रहा है सही आंसर दो तो देखिए आंसर है कैनेडा ठीक है कैनेडा ने क्लिंच किया डेविस कप और इन्होंने जीता हराया किसको तो हराया है ऑस्ट्रेलिया को सॉरी तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है सिक्स थ्री सिक्स फोर से और स्पेन में हराया गया है डेविस कप टेनिस के लिए खेला टेनिस में है लॉन टेनिस में है डेविस कप इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन डेविस कप सबसे ज़्यादा टाइटल अभी तक अमेरिका ने जीता है थर्टी टू टाइटल्स और फाइनल में कैनेडा के जो प्लेयर हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो डेविस कप लॉन टेनिस का कनाडा के पास है हु इज सेट टू एक्वायर बिस्लरी तो बिस्लरी बॉटल सबको पानी पिया होगा बिस्लरी का और आ, इन्फिनेटी कह रहा हम आपसे नाराज हो गए हैं अच्छा इन्फिनेटी जी अपने घर का एड्रेस दिया जाए हम अभी आपको जोमेटो करते हैं थर्सडे है तो वेज ही करेंगे ओके ठीक है बिल्कुल आंसर है टाटा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एक्वायर किया है भारत का सबसे लार्जेस्ट पैकेट ड्रिंकिंग वाटर और इसका नाम क्या है इसका नाम है बिस्लरी तो बिस्लरी को 6000 से 7000 करोड़ में खरीदा गया है चेयरमैन है रमेश चौहान जी और इनका एम है टू डिस इन्वेस्ट बिस्लरी इंटरनेशनल तो अभी बिस्लरी को ख़रीदा गया वैसे आज एड्स डे है आप सबको पता है तो एच का फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मुझे नेक्स्ट आप बताएं हु हैज़ वन थर्टी फोर्थ अंडर थर्टीन नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप तो जो अंडर थर्टीन नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप है वहां पे आप बताइए कि थर्टी फोर्थ एडिशन हुआ है किसने जीता है बोल रहा है कि जोमैटो वाली बात है तो मैं भी नाराज़ हो जाता हूँ अच्छा जी सही बात है सही बात है मैं भी सोच रही हूँ कि शिवम सर की तरफ तुम लोग को स्वाद वाला मुक्का ऑर्डर करके भेज दूँ ठीक है तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है राहुल श्रीवास्तव तो देखिए कौन कौन जीता है यहाँ पे तरंगना के निशान बुकिया और यहाँ पे उड़ीसा की तन्वी पत्री पटरी तो हैव वन इन बॉयज एंड गर्ल्स सिंगल एट थर्टी अंडर थर्टीन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइन तो ये बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे तो लखनऊ में हुआ और इन लोगों ने इसको जीत लिया है अगला सवाल है अगला सवाल है कि विच मिनिस्ट्री हैज वन गोल्ड अवार्ड विच मिनिस्ट्री हैज वन गोल्ड समर्थ गुप्ता वेरी गुड इन्होंने एच आई वी एड्स का फुल फॉर्म बताया है ह्यूमन है्यूमन एम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन एंड एक्वायर्ड एम्यूनोडिफिशी सिंड्रोम बहुत बढ़िया हाँ तो अब आप बताएंगे कि गोल्ड अवार्ड अंडर द नेशनल अवार्ड एंड ई गवर्नेंस किसने जीता कि ई e गवर्नेंस में ई e गवर्नेंस का मतलब क्या है कि जो भी स्कीम्स है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे लाना आसान मतलब उससे बहुत फ़ायदा होता है कि एक तो ये इशू है कि अब रिमोट एरिया में उतना ज़्यादा नेटवर्क नहीं है लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं और अगर इलेक्ट्रॉनिक लाया जाएगा तो हर कोई को ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि वो सेंटर में जाके ही काम अपना करवाए सब कुछ ऑनलाइन है तो ई गवर्नेंस पे काम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और इसके लिए इनको गोल्ड अवार्ड मिला है ई ग्राम स्वराज या ऑडिट ऑनलाइन इसके लिए इनको एक्सेलेंस इन गवर्नेंस प्रोसेस एंड री इंजीनियरिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का पुरस्कार मिला है अगला सवाल है आपके पास कि विच इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड टू स्टेट प्रेसिडियम ऑफ सीडीयू इन जर्मनी तो अभी इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोगों को बाहर देश में यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है राइट right? तो आप बताएंगे कि ये कौन से भारतीय हैं जिनको इतना बड़ा पद में डाला गया है तो ये इनका नाम है गुरदीप सिंह रंधावा गुरदीप सिंह रंधावा के बारे में आप जानते हैं तो यहाँ इंडियन ओरिजिन के हैं ये जर्मन सिटीजन गुरदीप सिंह रंधावा और हैज़ बीन अपॉइंटेड इनको डाला गया है कि ये तो, तो खतरनाक से नाम है क्रिस्न क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सी ठीक है और ये कहाँ पे है ये प्रेसिडियम है जर्मनी में रंधावा यहाँ पे एक्टिव मेंबर रह चुके हैं गाना वाले नहीं है ठीक है तो ये यहाँ पे एक्टिव मेंबर रह चुके हैं और ये इंडियन ओरिजिन के जर्मन नेशनल है अगला अगला है अगला क्वेश्चन है हु इलेक्टेड एज एज कुम्पू कुम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार दो गाइज आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर सकते हैं थोड़ा सा शेयर भी कर सकते हैं सेशन के क्वेश्चन से हैं और बारह बजे के सेशन में ज़रूर आइएगा और जितने भी आपके डाउट्स हैं ना गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर उसको आज हम थोड़ा जड़ से मटाने का को कोशिश करेंगे उसी प्यार से पढ़ेंगे जैसे हमने पॉलिटी जोग्राफी पढ़ा था तो आज आना मिस किए थे कल हम हाँ तो कवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे ये किनको मिला है ये तमिल के राइटर हैं और नोवेलिस्ट हैं इमायम अक्का मलाई अन्ना मलाई एक जगह भी है पहाड़ भी है मुड़ी पहाड़ है वेस्टर्न घाट्स में साउथ इंडियन का सबसे ऊंचा पहाड़ है अनाई मुड़ी आपको याद होगा तो इन्होंने जीता कौन सा अवॉर्ड इनको कौन सा पुरस्कार मिला कवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार तो बेसिकली कवेम्पू कवेम्पू एक लेट कन्नडा राइटर का नाम है कुवेम्पू जिनका निधन हो गया था कन्नड़ में लिखते थे ये और अभी इमायम मी या इमायम को ये पुरस्कार मिला है ठीक है तो इसको आप याद रखिएगा अगला अगला आप देखें बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने लॉन्च किया हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट तो हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट तो लॉन्च तो किया कल हमने पिक्चर भी देखा था आपने बताना है कि राजगीर बिहार शरीफ भागलपुर या मुजफ्फ़रपुर कहाँ से इसको लॉन्च किया गया हाँ कहाँ से इसको लॉन्च किया गया जल्दी से बताइएगा जिसको आंसर नहीं पता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एक बार आप जो आंसर देख रहे हैं ना उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा तो आपको याद रहेगा अच्छा वैसे देखिए एक लिंक मिला होगा आपको अभी तो आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं ये ऐप इंस्टॉल करने के लिए क्यों कहा जा रहा है क्योंकि आप अगर जाते हैं कि गवर्नमेंट जॉब जैसे आए कोई और आपको अलर्ट मिल जाए वो अलर्ट मिलना अब जैसे हम लोग तो बता ही देते हैं आपको कि हाँ ये जॉब आया है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन अब उसमें पाँच दिन बचाए दस दिन बचाए एक दिन बचाए उसका लगातार अगर आपको अलर्ट चाहिए क्योंकि आप लोग भी तो आलसी हैं आप भूल जाएंगे कि हाँ फॉर्म भरना है अच्छा चलो चलो भरेंगे अच्छा एक तारीख को भरेंगे अच्छा मंगलवार मंगलवार को भरेंगे इस तरह करते करते फॉर्म का लास्ट डे हो जाएगा बोलेगा जा मैम हम फॉर्म ही नहीं भरे या फिर उसका जैसे इस बार बहुत सारे बच्चों ने गलती की हैसएससी जेई में फोटो ही कलर डाला तो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप इंस्टॉल करने में ये फ़ायदा है अभी लिंक होगा कमेंट सेक्शन में कि आप भूलेंगे नहीं और एक और चीज़ है कि जैसे न्यूज़ होता है ना तो बार बार न्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें करंट अफेयर्स का अपडेट अपने आप आता जाएगा तो अगर हम भी भूल जाएंगे कोई करंट अफेयर्स तो हमको बता देना कि मैम आप ये वाला तो बताए ही नहीं चलो नेक्स्ट तो ये कहाँ से हुआ है राजगीर से हुआ है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी आठवीं बार चीफ़ मिनिस्टर बने हैं बिहार के तो सरकार किसी की भी हो एन हो जे हो कांग्रेस हो कोई शिवसेना तक हो लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी बनते हैं ये तय है ठीक है चले बढ़िया तो विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर जो लोग केमिकल वॉरफेयर से जिनका निधन हुआ है तो आपको बताना है उनको याद करने के लिए हम लोग एक डे मनाते हैं डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल विक्टिम ऑफ केमिकल वॉरफेयर्स तो ये वॉलफेयर वॉरफेयर्स का जो डे है ये किस दिन मनाया जाता है ये किस दिन मनाया जाता है आर आर बी जेई का कोर्स लेना है तो ले लीजिए इंतज़ार हो गई इंतहा की इंतहा हो गई इंतजार की तो गई जल्दी से बताएंगे आंसर ठीक है पूजा श्री तीस तारीख बता रही है एडवल तीस तारीख बता रहे हैं हिमांशु भी तीस सब कोई तीस कोई उनतीस भी बता रहे हैं तो आंसर है तीस तारीख आप लोग सबसे ये बता रहे हैं कि जो केमिकल वॉरफेयर से जिनका निधन हुआ है उनको याद करते हैं तीस तारीख को राइट पहली बार इसको दो से मनाया जाना शुरू हुआ अब सेशन में हम कुछ जगह को समझ लेते हैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिए तो घूमने के लिए आप हवाई आइलैंड्स जा सकते हैं ये अमेरिका में यहाँ पे इसके पास है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ हवाई आइलैंड्स आपको दिख रहा है ये अमेरिका है यहाँ हवाई आइलैंड्स दिख रहा है यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके हवाई आइलैंड्स दिख रहा है इसी में एक जगह है मोआना मोआना लोआ मोआना लोआ ठीक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है हवाई आइलैंड्स का एक जगह है मुआना लोआ और ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉलकैनो है ठीक है तो क्या होता है इसमें वॉलकैनो निकलता है वॉलकैनो यानी कि ज्वालामुखी निकलता है ठीक है और इन मोआना लोआ हवा इन इज इन हवाई और इज इरप्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इन अर्ली फोर्टी ईयर्स तो चालीस साल के अंतराल में ये अभी फिर से आके फट गया ठीक है एट अबाउट फोर थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर्स स्क्वायर माइल्स हवाई और द बिग आईलैंड इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ हवा चेन बट अ पॉपुलेशन बस इसमें दो लाख लोग ही रहते हैं करीबन ठीक है तो ये अमेरिका के पास हवाई आईलैंड है हनु लुनो लु भी यहीं पर है लुलू लु लु। ठीक है और यहाँ पर मुआना लुआ है ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वॉलकैनो लार्जेस्ट एक्टिव वर्ल्कैनो है फिर से फट गया वॉलकैनो में क्या होता है ज्वालामुखी में क्या होता है देखिए दुनिया जो है ये तीन लेयर से बना हुआ है, है? ठीक अंदर वाले को आप कहते हैं कोर कोर जो है ये बहुत सॉलिड है और ये एन आई एफ ई से बना हुआ है यानी निकल और आयरन से बना है क्लियर है बीच वाले का नाम है मेंटल एम एन टी एल ई अब ये किस चीज़ से बना हुआ है ये मेल्टेड रॉक से बना हुआ है मेल्टेड रॉक का क्या मतलब है या मोल्टेन रॉक का क्या मतलब है कि बना तो ये भी यार रॉक से ही है रॉक ही है इसके अंदर लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर है ना यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने के कारण ये टोटल जगह अब, अब मेल्टेड है ये है आपका मेंटल और इसके ऊपर वाला जो चीज़ है ऊपर वाला ये क्रस्ट है जिसपे आप अभी नाच रहे हैं मतलब बैठे हैं मतलब खड़े हैं जो भी है तो क्रस्ट क्रस्ट क्या है क्रस्ट बना हुआ है सॉलिड से तो इसी के ऊपर पेड़ पौधा और ये सब चीज़ें जो हैं वो होती हैं पेड़ है पौधा है जानवर है इंसान है सब है तो ये है हमारा तीनों स्ट्रक्चर क्रस्ट मेंटल और कोर तो अब ये क्रस्ट मेंटल और कोर तो समझ में आ गया आपको कि ये क्रस्ट है ये मेंटल है और ये कोर है अगर क्रस्ट में कहीं से भी छेद हो जाता है फिशर जिसको कहते हैं फॉल्ट कहते हैं टूट जाता है तो अंदर में ये जो मोल्टेन मैग्मा है अंदर में ये जो मोल्टेन मैग्मा है है ना ये मेंटल में मोल्टेन मैग्मा है जो एकदम लाल लाल दिखता है ये ऊपर की ओर आने लगता है ठीक है ये ऊपर की ओर आने लगता है और इसी का ऊपर की ओर आना इसी को हम वॉलकैनो कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं कि ज्वालामुखी आ गया वॉलकैनो आ गया क्लियर है कंसेप्ट हाँ तो जब ये ऊपर आता है तो देखिएगा तो जब एक्चुअली ये धरती के अंदर रहता है तो हम लोग इस इसी चीज़ को जो मॉटन चीज़ है जो पिघला हुआ है उसको हम मैग्मा कहते हैं जब ये धरती के नीचे रहता है और जब ये ऊपर आता है तो हम इसको लावा कहते हैं और जब ये लावा सूख जाता है जब सॉलिड बन जाता है ठंड मतलब ऊपर में तो टेम्परेचर इतना ज्यादा है नहीं तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो जब ये सॉलिड जब ये सूख जाएगा तो ये सॉलिड होने के बाद हम लोग इसको क्या बोलेंगे इसी को हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं जिसको आप लोग आग्र चट्टान कहते हैं इग्नियस रॉक कहते हैं समझ में आई बात क्लियर है कंसेप्ट हाँ अगर बिल्कुल अगर ये अंदर में ही सूख गया मान लो कि कोई आने का कोशिश कर रहा था मैग्मा और अंदर में ही सूखना शुरू कर दिया अंदर में ही रॉक बन गया तो उसी को हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं इंट्रूसिव क्योंकि ये अंदर में ही बन गया और जब ये ऊपर आके रॉक बना तो हम इसको एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं समझ में आ रही है बातें अगर धरती के ऊपर से कोई फोर्स लगता है जैसे हवा चल रही है घटा चल रही है हंसी है नजर आ रहा है मतलब सॉरी हवा चल रही है पानी चल रहा है कुछ भी हो रहा है तो इस धरती के जब ऊपर में फोर्स लगता है तो हम उस फोर्स को एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं और जब यही फोर्स धरती के अंदर से लगता है जैसे कि वोल्केनो आ गया अर्थ को एक आ गया ठीक है धरती के अंदर लग रहा है तो इसी फोर्स को हम एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं समझ में आई बातें तो अर्थक्वेक और वोल्केनो क्योंकि धरती के अंदर से लग रहा है तो हम उसको एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं है ना एक्सट्रूसिव और इग्नियस में क्या डिफरेंस है इग्नियस इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव है इग्नियस रॉक दो प्रकार का है एक एक्सट्रूसिव है जो धरती के ऊपर आके सूखा और एक इंट्रूसिव है जो धरती के अंदर ही सूख गया क्लियर है समझ में आ गई बातें सारी यस yes. अब जब इतनी बातें समझ में आ गई एक और बात समझ लो कि इग्नियस रॉक क्या है कि मैग्मा के सूखने लावा के सूखने के कारण इग्नियस रॉक बना यानी कि जस्ट लावा सूखा बन गया तो हम लोग इसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं ठीक है इसी रॉक का चकना चूर कर दोगे तोड़ दोगे फ्रैगमेंटेशन कर दोगे टूट टूट गया सा तो इसको इसी रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे ठीक है और सेडिमेंट्री रॉक वापस से लावा के साथ मिलकर इग्नियस रॉक बना सकता है सही बात है अगर इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक को हाई प्रेशर बहुत ज्यादा प्रेशर और हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रख दोगे तो यही रॉक तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा जैसे तुम्हारा मार्बल क्या है मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक मार्बल ठीक है इसका ये एग्जाम्पल याद रखिएगा सेडिमेंट्री का लाइमस्टोन याद रख सकते हैं लाइमस्टोन चूना पत्थर ठीक है इग्नियस का ग्रेनाइट याद रख सकते हैं किचन में स्लैब में लगा हुआ ग्रेनाइट फाइन ओके और मेटामॉर्फिक को अगर चकना चूर कर दीजिएगा तो सेडिमेंट्री बन जाएगा और मेटामॉर्फिक को वापस से अगर लावा में डाल दीजिएगा तो इग्नियस बन जाएगा तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं रॉक का साइकिल कहते हैं रॉक का साइकिल कहते हैं अंडरस्टूड क्लियर है बहुत बढ़िया यही सब चीज़ें आती हैं एग्जाम में फिर जाके तुम मेरा भेज जाते कर देते हो सॉरी ठीक है अब देखिए एक और जगह न्यूज़ में है केरला केरला बहुत सुंदर जगह है केरला बहुत सुंदर जगह है है ना हाँ बिल्कुल स्लेट भी मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है नीस भी है जी एन ई आई एस एस जी क्या उसमें नहीं बोला जाता है साइलेंट है नीस नीस कहते हैं उसको नीस अब देखिए केरला में एक जगह है और यहाँ पे क्या हो गया है कि द प्रोटेस्ट यहाँ अडानी पोर्ट बन रहा है अडानी पोर्ट अडानी ग्रुप का पोर्ट बन रहा है कहां सी पोर्ट लिमिटेड ये कहाँ है केरला में कंटिन्यूड विद द पुलिस बुकिंग थ्री थाउजेंड पीपल इन कनेक्शन विद द फिशरमैन अटैकिंग अ पुलिस स्टेशन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया है क्योंकि अडानी ग्रुप अपना विंस में 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 क्या बना रहे हैं ये पोर्ट बना रहे हैं द फाउंडेशन स्टोन जो लगा है स्पोर्ट पोर्ट का ये सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव करोड़ रुपए का ये पोर्ट बना है बींग बिल्ड अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सरकार का भी पैसा है और जो कंपनी है उसका भी पैसा है है ना तो अडानी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये बना है और इसको 2015 में ही इसका फाउंडेशन डाला गया था जो चंडी उस समय चीफ मिनिस्टर थे केरला में और अब लोग इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपसे अगर पूछा जाए कि कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है और किस कंट्री की मदद से बना तो क्या बताइएगा एस फोर हंड्रेड किस कंट्री ने आपको दिया है तो क्या बताइएगा कामोव किस कंट्री ने आपको दिया है तो क्या बताइएगा और भीष्म जो आप भीष्म भी एक वेपन सिस्टम है ये किस कंट्री के साथ हुआ है ब्रह्मोस किस कंट्री के साथ हुआ है तो ये सबका आंसर एक ही है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं सब जितना भी क्वेश्चन पूछे सबके एक ही आंसर है रशिया बिल्कुल और रशिया के साथ ही हम इंदिरा एक्सरसाइज करते हैं हम आपको फर्स्ट आपको पता है ना कि अब हम असाइनमेंट दे रहे हैं रोज तो इसके लिए हम एक शॉर्ट्स डाल रहे हैं डिफेंस अड्डा पे तो डिफेंस अड्डा पे हम एक शॉर्ट्स डाल रहे हैं और यहाँ पे फर्स्ट जो शॉर्ट्स हम डाले थे वो इंडिया और रशिया के रिलेशन के बीच में डाले थे क्योंकि अभी इंडिया और रशिया के रिलेशन फिर से बहुत आगे हो गया है करीबन अट्ठारह हज़ार मिलियन यू डॉलर का हम रशिया के साथ यू डॉलर का हम रशिया के साथ डील करते हैं ट्रेड करते हैं लेकिन इसमें से सोलह हजार पाँच सौ का हम चीजें मंगवाते हैं क्या मंगवाते हैं हम हम बहुत ज्यादा ऑयल मंगवाते हैं हम बहुत ज्यादा वेपन जो है वो रशिया का ज्यादा एडवांस है तो वो मिलिट्री के लिए मंगवाते हैं राइट और करीबन हम नौ हजार नौ सौ नौ सौ पचास यूस मिलियन डॉलर का चीज हम रशिया को भेजते हैं तो इसको हमको ठीक करना पड़ेगा नौ हजार नहीं नौ सौ पचास मतलब करीबन हजार के अप्रॉक्स ठीक है तो इसको हम भेजते हैं तो इसको आप याद रखिएगा फाइन अठारह हज़ार में सब देख लो यार हज़ार के आसपास हम भेज रहे हैं और सत्रह हज़ार के आसपास चीज़ें मंगा रहे हैं हम ठीक चलें बढ़िया हाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं हम रशिया से अच्छी बात तो नहीं है ट्रेड डेफिसिट है चलें ठीक है अब इजिप्ट के बारे में आपको पता है कि इजिप्ट के फिर से नए प्रेसिडेंट बने ठीक है और नए प्रेसिडेंट जो है उनको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो हमारे जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं वो हमारे गेस्ट बनेंगे तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतह अल सीसी और ये चीफ गेस्ट बनेंगे हमारे इंडियन रिपब्लिक डे में ठीक है इंडियन रिपब्लिक डे आपका जनवरी में सेलिब्रेट होता है दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाता है और पचहत्तर साल हो चुके हैं इस रिलेशन को डिप्लोमेटिक रिलेशन है दोनों कंट्री के एक साथ और दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दैट लीडर फ्रॉम इजिप्ट पहली बार इजिप्ट से कोई भारत का चीफ गेस्ट बनने वाला है तो इसको आपको याद रखना है इजिप्ट का कैपिटल आप मुझे बता सकते हैं अगला अगला जगह जो न्यूज में है उसको भी आप देख लीजिए ये इराक है ये ईरान है ये कुवैत है ये सिराज तो जगह है और ये आपका कतर है राइट बहरेन भी यहाँ पे है तो ये आपका यूएई है तो सऊदी अरेबिया ये सारे अरब देश हैं अरब देश हैं अब इसमें से बहरीन जगह न्यूज़ में है बहरीन में क्या हुआ है कि बहरीन हैज़ इलेक्टेड अ रिकॉर्ड एट वीमेन टू इट्स फोर्टी सीट पार्लियामेंट बहरीन में चालीस लोगों का पार्लियामेंट है जैसे हमारे यहाँ 550 सौ पचास है और दो सौ पचास है तो बहरीन में 40 लोगों का पार्लियामेंट है उसमें हाँ से आठ वुमेन है, तो है।, है पहली बार इन इट्स थर्ड पार्लियामेंट्री इलेक्शन बहरीन में अभी तीसरी बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा है और आप सोचिए कि चालीस में अगर आठ विमेन है तो चार सौ घटा पाँच यानी कि सौ बीस परसेंट है ना बीस परसेंट ट्वेंटी परसेंट वीमेन का यहाँ पे पार्टिसिपेशन है जो कि भारत में बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक हम लोग बनते हैं ना और चिक चिख के चिल्लाते हैं कि पहली बार अगर विमेन और मेन को इक्वल वोटिंग राइट मिला तो वो भारत से मिला लेकिन एक्चुअली बात क्या है कि भारत में पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेशन यानी पार्लियामेंट में मिलाकर चौदह परसेंट के आसपास ही है विमेन बस पाँच सौ पचास इधर और दो सौ पचास उधर दोनों मिला के चौदह परसेंट है बस ट्वेंटी फोर्टीन परसेंट और बहरीन इतना छो, छोटो सा देश है देख लीजिए आप यहाँ पे कितने हैं ट्वेंटी परसेंट हेल्ड विदाउट अपोजिंग कैंडिडेट्स टू मेजर अल वेहाम एंड द सेक्युलर वाद प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रेजेंटिंग कैंडिडेट्स तो देखिए क्या हुआ कि ये जो विमेन आठ विमेन खड़ी हुई तो इनके खिलाफ कोई अपोजिंग कैंडिडेट ही नहीं था ठीक है ऑपोजिट कैंडिडेट ही नहीं था यानी कि पूरी कंट्री सपोर्ट करिए कि नहीं वेमेन अगर खड़ी हुई है किसी इलेक्शन में तो इनको आगे बढ़ने दिया जाए समझ रहे हैं कोई था ही नहीं तो उनका जितना तो तय था बहरेन इज एन आइलैंड कंट्री ये आइलैंड कंट्री आप देख चुके हैं बहरेन कहां पे है ये छोटी सी बहरेन है ये आइलैंड कंट्री है और ये कहां पे है तो ये जो पानी आपको दिख रहा है ये इसको हम लोग पर्शियन गल्फ कहते हैं पर्शियन गल्फ क्यों कहते हैं क्योंकि गल्फ वो पानी का टुकड़ा होता है जो कि तीन साइड से लैंड से कवर है तो अगर आप देख सकते हैं तो ये पानी का टुकड़ा सिर्फ एक साइड से लैंड से कवर नहीं है उधर पानी है बाकी एक दो तीन तीनों साइड से लैंड से कवर्ड है ठीक है तो उसको उस जगह को हम या तो अंग्रेजी में बे कहते हैं या तो गल्फ कहते हैं अगर बड़ा है तो गल्फ थोड़ा सा छोटा है जैसे बे ऑफ बंगाल है ठीक है तो वो हो गया बे समझ में आ रहा है और पर्शियन गल्फ क्यों कह रहे हैं क्योंकि देखिए ईरान के नीचे है तो ईरान को हम पहले पर्शिया कहते थे तो अब इसको हम पर्शियन गल्फ कहते हैं ठीक है बहरेन आइलैंड कंट्री है द्वीप है पर्शियन गल्फ में ये आपको समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब क्या होता है जैसे कि ब्रिटेन क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है पार्लियामेंट है लेकिन प्रेसिडेंट नहीं है है ना प्रेसिडेंट नहीं है वहां पे उसकी जगह किंग है अभी किंग चार्ल्स हैं इसके पहले क्वीन थी इंडिया क्या है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है या रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बोलोगे ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कुछ टाइम बाद हम चेंज कर देंगे पांच साल बाद हम चेंज कर देंगे लेकिन यहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चेंज नहीं हो सकते ठीक है वे द गवर्नमेंट इज अपॉइंटेड बाई द किंग ऑफ बहरीन द पार्लियामेंट इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर तो गवर्नमेंट तो कौन कर रहा है किंग अपॉइंट कर रहा है जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो यहाँ पे किंग अपॉइंट कर रहे हैं तो जिस तरह से प्रेसिडेंट है वैसे ही किंग है वहां पे ठीक है अगर इंडिया के भी प्रेसिडेंट को आप लिया देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि किस प्रेसिडेंट की तरह है क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट की, की तरह तो बोलेंगे नहीं इनका रोल बिल्कुल सेम है जैसे ब्रिटेन की क्वीन थी ब्रिटेन के किंग है।, है ना तो ये बाई कैमरल है यानि पे लोकसभा राज्यसभा दोनों है पॉपुलर हाउस और आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों है ऑफ शिया मुस्लिम तो देखिए मुस्लिम में दो वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है एक है शिया है एक है सुन्नी है तो यहाँ पर कौन है ज़्यादा कि शिया ज़्यादा है अगर आप शिया के बारे में बात करेंगे तो ईरान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे शिया मुस्लिम ज़्यादा है ज़्यादातर देशों में जो आपके मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा हैं चाहे वो पाकिस्तान हो गया बांग्लादेश हो गया इवन इंडिया में भी अगर आप देखें तो मुस्लिम में सुन्नी का ज़्यादा तादाद है है ना लेकिन बहरीन में ईरान की तरह शिया मुस्लिम ज़्यादा हैं मोर क्लोज़र टू ईरान इसलिए ये ईरान से ज़्यादा पास है द सुन्नी रॉयल फैमिली अल खलीफा गवर्नज द कंट्री मोर क्लोज़र टू सऊदी अरेबिया अब देखिए यहाँ पे अब क्या अलग अलग बात क्या है कि जनता जो है वो ज़्यादा शिया है लेकिन जो किंग है जो रॉयल फैमिली है वो सुन्नी है तो जो सुन्नी लोग हैं वो अरब में ये पूरा पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजन से रिलेटेड है यहाँ पे तो ये जो सुन्नी लोग हैं ये किससे ज़्यादा क्लोज़ हो गए ये सऊदी अरेबिया से ज़्यादा क्लोज़ हो गए क्योंकि सऊदी अरेबिया यू है ना दिख रहा है आपको यहाँ पर सऊदी अरेबिया यू ए ई यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा हैं और अरब नेशन में इनका ही ज़्यादा वर्चस्व है ईरान को ये जनरली साइड कर देते हैं लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पे ईरान के ज़्यादा क्लोज़ है तो इसको भी आप समझ जाइएगा है ना नस तो ये कुछ कुछ पॉलिटिक्स जो है जो पूरा आपका वर्ल्ड का ग्लोबल चीज़ है वो आपके जियोपॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा कंट्री ज़्यादा पास है कौन सा दूर है अब जैसे हमारा जो देश है ठीक है तुम्हारा अमेरिका से ज़्यादा अच्छा रिलेशन है तुम्हारा रशिया से ज़्यादा अच्छा रिलेशन है लेकिन नेबर फर्स्ट को क्यों कहा जाता है आपका कोई भी रिश्तेदार कितना भी बड़ा तोप हो आई एस हो आई पी एस हो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो लेकिन अगर आपके घर में कुछ होता है तो सबसे पहले कौन आएगा आपका पड़ोसी आएगा इसलिए पड़ोसी से रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए है ना सबसे पहले प्रैक्टिकल से बात है अब वो कभी भी आएंगे भले वो जहाज़ हेलीकॉप्टर से उड़ के भी आएंगे लेकिन आपका पड़ोसी दो मिनट में आ जाएगा है ना तो इसीलिए जियोपॉलिटिक्स जियो क्यों पढ़ते हैं क्योंकि जोग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और बीच में क्या हुआ था अभी भी ये चीज़ थोड़ा बहुत है कि रिलीजन को लेकर भी क्या आपके देश में किस किस की तादाद ज़्यादा है जैसे नेपाल से हमारा रिश्ता अच्छा क्यों है क्योंकि नेपाल प्रॉपर एक हिंदू स्टेट है और भारत में मेजॉरिटी भी उसकी है बांग्लादेश से अच्छा रिलेशन क्यों है क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल का कल्चर बहुत सेम है है ना पाकिस्तान से भी अच्छा रिश्ता हो सकता था लेकिन कश्मीर इशू को लेकर या इंडस्ट के पानी को लेकर हम थोड़ा सा क्लैश कर देते हैं चाइना से किसी का रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि उसका थाट ही क्या है कि हमको एक्सपैंड करना है हमको अपना जगह एक्सपैंड करना है हम एक ज़माने में बहुत बड़ा एकदम तोप खान थे तो हमको और चीज़ें अपने अंदर मतलब जो इंडिया का भाग है ये लेना है तो जिस कंट्री का एक ऐसा पॉलिसी है जो एक्सपेंशनिस्ट है तो उससे किसी का रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता है चाइना का सत्रह कंट्री से लड़ाई चल रहा है ठीक है समझ में आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे आप इस बात को समझिए कि जो डेमोग्राफी है डेमोग्राफी यानी कि जो लोग हमारे देश में रह रहे हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कौन से देश के साथ आपका रिश्ता कैसा हो रहा है अब जैसे हम अब इंडिया में एक और इशू क्या है अब जैसे कभी कभी जो फैक्चुअल चीज है वो बताने में भी कुछ लोगों को दिक्कत आ जाती है अब जैसे यहाँ पे हम सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम डिस्कस कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो लोग अराजकता तत्व है वो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे मैम आपको ये जानकारी नहीं दे कैसे बोलिए वो कैसे बोलिए वो सब तो ठीक है चलो ठीक है तुम्हारा वो पर्सनल थॉट है उसको रखो लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है या एग्जाम में क्या समझना है वो हम यहां पे बता दिए ठीक चले बढ़िया ओके अब एक और जगह देख लो यार जब सब देख ही लियो तो देखिए यहां पे आपको बहरीन दिख रहा है यहां पे कतर भी देख लो ठीक है इस मैप को अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे ओमान है यहाँ पे सऊदी अरेबिया है इराक है ईरान है ये आपका यूएई है ठीक है कुवैत है कुवैत यहाँ पे है और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है इस मैप को अच्छे से समझ लीजिए इस बार ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है तो वर्ल्ड कप हो रहा है गाइज वर्ल्ड कप में कितनी टीम खेल रही है बत्तीस टीम खेल रही हैं और टॉप सिक्सटीन टीम होने वाली है और ये कहाँ हो रहा है ये हो रहा है कतर में कतर क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली कतर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गया क्योंकि होस्ट था एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ मैच ठीक है आफ्टर ईयर्स ऑफ मैच द अदर थर्टी वन टीम अर्न द राइट टू कम एंड प्ले ठीक है तो ये सारी कंट्रीज आई यहाँ पे और खेली और द वर्ल्ड कप यूजअली टेक्स प्लेस इन जुलाई हाउ एवर दट क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है कतर में तो इसीलिए जुलाई में नहीं हो पाया मैच हाँ अर्जेंटीना क्वालिफाई गए ठीक है मैचेस आर बीइंग शेड्यूल्ड इन विंटर इसलिए विंटर में ठंड में मैच हुआ है क्योंकि गर्मी में तो नहीं खेल पाते ये लोग ठीक है यस मैचेस हैज बीन शेड्यूल्ड इन विंटर द फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड कप इज हेल्ड इन अरेबियन पेनसुला तो ये क्यों जरूरी है क्योंकि अरब देशों में पहली बार किसी देश में ये मैच हुआ है वेमेन फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड अब इसके बाद अगले साल

पेट्रोलियम का नेचुरल गैस का ठीक है और बहुत सारे लोग बाहर देश से जैसे इंडिया से भी आते हैं फॉरेन वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं हाउ एवर इंटरनेशनल हैज कास्टेड डाउट्स। लेकिन कतर में ह्यूमन राइट right थोड़ा सा खतरनाक है हम भी सुने हैं कि मारता है कूटता है खाना अच्छा नहीं देता ये सब चीज होते हैं रिकॉर्ड इन्वॉल्विंग माइग्रेंट वर्कर्स ठीक है तो अभी यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत इश्यू चल रहा था जिसके कारण बहुत लोग कतर को छोड़ चुके थे ठीक चलिए अब एक क्विक कर लेते हैं मिनट का इसका आंसर बताइएगा कि भारत ने IBA में कितने वर्ल्ड बॉक्सिंग का है है ठीक वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते हैं एक बच्चा बोल रहा है फिर तो इंडिया को भी पेनिनसुलर कंट्री बोलना चाहिए बच्चा इंडिया पेनिनसुलर कंट्री है आ, नहीं पता तो तुमको तभी बोलते हैं ना पेनिनसुलर प्लेट्यू इनोसेंट है इंडिया को भी बोलना चाहिए मैडम पेनसुला चलिए ग्यारह इलेवन यस नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट इंडियन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कौन बनी है ठीक है फर्स्ट वीमेन तो ये पीटी उषा बनी है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से स्टेट में सबसे पहले रॉकेट फैसिलिटी डाला जा रहा है यह अग्निकुल ने बनाया है एक लॉन्चर uh, भी बनाया प्राइवेट लॉन्चर ठीक है तो ये तेलंगाना है नेक्स्ट सवाल कि एरो इंडिया 2023 डिफेंस का एक्सपो तो गांधीनगर में हुआ एरो इंडिया 2023 ये कहाँ पे हुआ है तो ये हुआ है आपका बेंगलुरु में इसका आंसर आपको पता है ऑस्ट्रा इंडिया ऑस्ट्रा इंडिया ऑस्ट्रा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है कहाँ हो रहा है राजस्थान में हो रहा है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज़ द रैंक ऑफ आई आई टी दिल्ली तो आपको पता है कि आईआईटी दिल्ली और टॉप 50 में डाला गया है टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में यानी यहाँ से पढ़ के नौकरी लग जाता है लोगों को फिर तो इसका रैंक है ट्वेंटी नेक्स्ट वॉट इज हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ मनीपुर शंघाई फिल्म फेस्टिवल फिल्म फेस्टिव, फिल्म फेस्टिवल शंघाई फेस्टिवल तो आपको पता है कि पार्टनर स्टेट्स की बात चल रही है कि ये एक देश दूसरे एक स्टेट दूसरे स्टेट का पार्टनर है तो मणिपुर का पार्टनर एम से मणिपुर एम से मेघालय मामा जी आपके नहीं देश के शिवराज सिंह चौहान ये बनेंगे ओके फर्स्ट वुमेन टू ऑफिशिएट इन द मेन फीफा वर्ल्ड कप तो इनका नाम आप याद रखेंगे कि फर्स्ट वुमेन कौन है जो कि अंपायरिंग करने वाली है महिला कहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप में मेन का हो रहा है लेकिन महिला है ये ठीक है तो इनका नाम क्या है हाँ स्टेफन फ्रैपार्ट है स्टेफन यस मेलेसा नहीं है पता नहीं मेलेसा नाम से तुमको क्या प्रेम हो गया है हु हैज लॉन्च नई चेतना पहल बदलाव की नहीं नई चेतना यानी कि हम चाह रहे हैं कि अब हम कुछ नया वी वॉन्ट टू चेंज समथिंग तो नई चेतना ये आपका गिरिराज सिंह ने स्टार्ट किया है नेशनल कैंपेन नेक्स्ट विद स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई डिटेक्शन पोर्टल फॉर आइडेंटिफाइंग व्हीकल्स तो व्हीकल को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से स्टेट ने ई डिटेक्शन शुरू किया है तो अब ऐसा नहीं है कि तो किधर भी मर्डर करके सलमान खान की तरह उड़ के चले जाओगे व्हीकल पकड़ा जाएगा उड़ीसा में ठीक है चले अभी ये दो तरह का कछुआ है दो तरह का कछुआ है रेड क्राउन रूफ है और ले शॉफ्ट शेल है ये दोनों तरह का कछुआ के बारे में आप पढ़ के आइएगा और ये जो लिखा हुआ है इसको आप हमको समझाइएगा ठीक है चले तो गई देखो सेशन्स जो हैं वो तो चल रहे हैं लेकिन पेड क्लासेस में पढ़ाई बहुत रेगुलस शुरू हो चुकी है पूछ लीजिएगा किसी से भी बहुत अच्छा आपको रिपोर्ट मिलेगा सी डी एस और एफ कैट के क्लासेज हो रहे हैं दस बजे मेरे क्लासेस दस बजे होते हैं और जो हमारे इंजीनियरिंग के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनकी क्लासेस नौ बजे होती हैं जस्ट इसके दस मिनट बाद तो आपने क्या करना है आपने अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के वेबसाइट पे आना है अगर यूट्यूब में ये चल रहा है तो समझ लो पेड में जो है वी आर रॉकिंग राइट तो यहां पे आप डिफेंस में आ सकते हो डिफेंस में सारे एग्जाम्स यहाँ पे मेंशन है चाहे वो एफ कैट हो सी डी एस हो अग्निवीर हो जितने भी एग्जाम्स हैं सारे यहाँ पे मेंशन है देखिए सी डी एस और एफ कैट में हमने एक नया चीज स्टार्ट किया है नया चीज ये स्टार्ट किया है कि अभी तो सबसे डबल वैलिडिटी भी चल रही है यानी कि छः महीना का लोगे तो एक साल का मिलेगा एक साल का लोगे तो दो साल का क्लास मिलेगा ठीक है डबल वैलिडिटी सब पे चल रहा है लेकिन सी और एफ आर्ट में हमने एक चीज स्टार्ट किया है वो ये स्टार्ट किया है कि एग्जाम से ही बस मतलब नहीं है हम आपको एस के लिए भी प्रिपेयर करा रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं कर्नल सिरोही सर कर रहे हैं ठीक है ठीके? तो कर्नल सिरोही सर खुद ही इज एन एस तो वो करेंगे तो आप ओ में आ सकते हो आई में आ सकते हो जिसमें भी आपको आना है वहां पे आप आके यहाँ क्या करो आप इस पर क्लिक करो और कोड आप यूज़ कर सकते हो वाई थ्री थ्री टू और अप्लाई कर सकते हो तो वाई तीन सौ बत्तीस कोड अप्लाई करने पे ये बैच आपको पच्चीस सौ पचहत्तर रुपये में मिल जाएगा आप सब कुछ मिलेगा इसमें मतलब सोच रहे हो कि रिटर्न तो है ही लेकिन कर्नल सिरोही सर खुद आपको एस एस बी के लिए भी तैयार कर देंगे तो ये सी डी एस का है सिमिलरली आपको एफ कैट के लिए भी मिल जाएगा बाकी जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं जो ए ओ सी का कर रहे हैं ना तो हम एक बात बोलेंगे कि ए में आप पढ़ने का तो टाइम नहीं है ये बना लीजिएगा ये टेस्ट सीरीज़ ठीक है थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन रुपीज़ का है ना ये इसको थोड़ा कम किया जाए तो अगर कम करना है टेस्ट सीरीज़ है तो एक काम करिए वाई थ्री थ्री टू एस लगा के देखिए ठीक है तो यहाँ पर देखिए टू एटी नाइन रुपीज़ का मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ बना लीजिएगा एग्जाम में जाने के पहले ये ज़रूरी है ठीक है और जितने इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो गेट इंजीनियरिंग के सेक्शन में आएंगे देखो एस एस का बैच आ गया है बहुत हल्ला हो रहा था एस एस सी जेई का बहेगा एस एस कब आएगा का बहेगा एस एस का बैच आ चुका है बाकी सारे बैचेस भी आ चुके हैं ओ एस एस है डब्ल्यू बी एस एस जेई है महापैक अगर तुम्हारे पास है तो ऑलरेडी तुम्हारे पास सब कुछ हो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यू पी है ठीक है तो आप क्या करें आप सिंपली महापैक ही ले लीजिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जिस पे भी आपको लेना है ठीक है तो आप उस पर क्लिक कीजिए फॉर एग्जाम्पल सिविल है सिक्स मंथ प्लस सिक्स मंथ वैलिडिटी में आपको मिल जाएगा छः महीने का लीजिएगा तो एक साल का मिल जाएगा तो आप इस पर व्यू ऑफर्स में जा सकते हैं और कोड यूज़ कर सकते हैं कौन सा वाई थ्री थ्री टू और अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे यह बैच आपको इक्तीस सौ रुपये का मिल जाएगा तो अब आप देखिए हम आपको बता दिए हैं अगर आपको बैच में जाना है तो वाई थ्री थ्री टू कोड यूज़ कर लीजिए और टेस्ट सीरीज़ में जाना है तो वाई थ्री थ्री टू एस यूज़ कर लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दो यार अब टाइम है नहीं ठीक है सो ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू फॉर द सेशन इसी तरह से एक घंटे के अंदर मैक्सिमम जानकारी देने की कोशिश जो है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे होपफुली एक भी सेकंड आपका इस सेशन को देखने में बर्बाद नहीं होता है ये मेरा मेन एजेंडा यही होता है कि एक भी सेकंड हमको वेस्ट नहीं करना है बात करने के लिए हंसी मजाक करने के लिए और बहुत एंटरटेनमेंट सोर्स है क्यों ना एक घंटा अपने दिमाग को फोकस किया जाए राइट सो थैंक यू फॉर द सेशन ऑल द बेस्ट जय हिंद